जैसे हीरे की जो परख है वो जोरी को होती है, तो आज जैसे इस प्रतियोगिता में पंडित जी ने जजमेंट की है और विदुषी जी साथ में थे, और आज इन्होंने ये बड़े ही ध्यान से बच्चों का परफॉर्मेंस देखा और जो आगे आ सका उसका नंबर, उसका नाम दिया गया। तो आज के प्रोग्राम पे जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी आप आज के प्रोग्राम पे कुछ रोशनी डालिए। जी अवश्य अवश्य। पिछली बार क्या हुआ था कि आज इस बार ये दूसरा है। हाँ जी। तो अगर हम इनसे कहें कि ये हमारा जो जो दूसरा आशीर्वाद जो सतगुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया है, और इसके अंदर मैं इसे ऐसा समझता हूँ कि पिछली बार तो हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ बुलाया था जितने भी थे, और कलकत्ता से और चारों तरफ से पूरा नेशनल लेवल का था। इस बार हमने दिल्ली को लिया है यहाँ, और पुणे वाले पुणे में हैं, और उसके बाद कलकत्ता कलकत्ता में है। तो इस तरह से मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसे एक पर्व होता है, ये एक नए पर्व के रूप में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आजकल के समाज को जो चाहिए, आजकल के समाज को आप देखिए कि बड़ा अशांत है, बड़ा अव्यवस्थित है, असंतुलित है। अब उसको अगर आप देखें कि ये एक किरण ऐसी है जो शास्त्रीय संगीत के रूप में ये जो पौधा अभी शुरू किया है सतगुरु महाराज जी की कृपा से, जो लास्ट टाइम शुरू हुआ है, अब ये देखिएगा कि आगे आने वाले समय में वृक्ष कैसे बनता है। और ये बहुत, मतलब मैं, आप कहेंगे कि मैं ये कुंभ के रूप में अगर आप इसे ना देखें तो आप देखिए, और अभी तो इसके अंदर आप देखिए कि इसमें वोकल आपने जोड़ा है, कल ये भी होगा इंस्ट्रूमेंटल जोड़ेंगे आप, परकशन आप इसमें जोड़ेंगे, जब ये तीनों विधाएं जुड़ेंगी तो आप देखिए कि इसका क्या, इसका भव्य रूप होगा। तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ये और आप बढ़ें, और हम ऐसे ही यहाँ आते रहें और सेवा के रूप में आपसे मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।